science would have us believe that we have nearly lost our animal instincts. But with discipline, training, you can uncage them and turn a man into a weapon. You wanted the animal, Colonel. You got it. I'll probably be alone to the day I die. I still have work to do. I'm coming for you. जंगली पन्ने की हद पे दोबारा उतर आए हैं एक बार फिर से। तो हेलो मेरी जान, मैं और आप हैं मेरी आनबान शान। तो कैसे हो यार, दिस इज मैक्स हियर। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूँ एक नए गेम लेके। सो थंबनेल पढ़ लिया होगा, टाइटल देख लिया होगा और फोटो तो खैर देख ली होगी। तो यस, आज खेलने जा रहा हूँ बहुत ही मजेदार सी गेम जिसका नाम है एक्समैन ओरिजिंस वुल्वरीन, जो कि एक्समैन ओरिजिंस मूवी की जस्ट फुल कॉपी है। ठीक है, और फुल कॉपी मीन्स मतलब ये नहीं है तो कि मतलब पूरी, हाँ कुछ सीन्स अलग हैं पर कुछ सीन वहीं से रिलेटेड हैं पूरी की पूरी मूवी से। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं एक्समैन ओरिजिंस वुल्वरीन काफ़ी अच्छी मूवी गई थी, काफ़ी हिट गई थी अपने हिसाब से, और उतनी हिट नहीं गई कह सकते हैं। देखो भाई, देखो कमेंट मत करना कि यार भाई गलत बोल रहा है। हाँ मुझे पता है इतनी हिट नहीं गई, ठीक ठीक गई। बट जो बंदा मेरा पर्सनल फेवरेट है, इट्स डीपी, एंड यू नो एज यू नो जेट फ्यू, सो उस किस्म की। तो देखा जाए ना तो उस गेम मतलब डेडपूल की गेम और एक्समैन यानी कि वुल्वरीन की गेम सिमिलर है आपस में, जो मैंने देखा है। हालांकि मैंने डेडपूल भी अभी कर लिया बट अभी तक खेली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं खेली है, क्योंकि मैं आपके साथ ही उसे अनवील करूंगा किसी और दिन। बट आज हम एक्समैन ओरिजिंस पे आए हैं, और जो मैंने इसका थोड़ा सा पार्ट खेला था, बिल्कुल जस्ट अ लिटिल बिट, जो मैंने उसमें देखा कि काफ़ी हद तक वो मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब हाँ, लो एंड पीसी के लिए बहुत अच्छी है। इसमें एक फील आ रही थी कि अजीब सी गेम है, यानी कि ऊपर से देखने वाली गेम है, लाइक भगवान देख रहा है और हम कंट्रोल कर लें, लाइक वैसी वाली कि ऊपर से दिखता है इसमें सब कुछ। सब कुछ नहीं, कई बार आप नीचे आप माउस का कर्सर घुमा सकते हैं, बट फाइटिंग टाइम्स में ये ऊपर चला जाता है अपने आप ही। अब आई डोंट नो कि वो हमारे खेलने से जाता है या अपने तरीके से जाता है, बट हाँ मूवी गेम पूरी की पूरी मूवी पर बेस्ड है। पूरी नहीं कह सकते बट हाँ कुछ काफ़ी हद तक काफ़ी सारे सीन्स इसमें मूवी से बेस्ड हैं। तो मैं यहाँ पर मैंने बहुत थोड़ी सी खेल के देखी थी, जैसे अपना हाथ बैठा के देख रहा था, और एज यूजुअल जैसे आपके भाई हमेशा यूज ही करता है, कोई शौक नहीं है मरने का कि हम बिल्कुल हॉट पे करके एक्सट्रीम प्रो लेवल के गेमर्स हैं। बट मेरा मोटिव यह है कि मैं आप सभी को एक बहुत ही प्यारी गेम दिखाऊं। बट हाँ गाइस, स्टे सेफ, स्टे होम, गेम्स खेलें पर घर से बाहर ना निकले, बिकॉज कोरोना चल रहा है इस टाइम पे और दिस इज क्वारंटाइन। तो प्लीज़ घर से बाहर ना निकले और वीडियो को एंजॉय लें, पूरा का पूरा गेम देखें, समझें क्या है इस गेम में। इट इज़ नॉट टू डिस्टिंट फ्यूचर। ओके, क्या होगा इसमें, खतरनाक, खून ही खून टपक रहा है। The best there is of what I do. Yeah. At least the people still living after I'm done doing it say that. Oh fish. Oh. Oi!
खत्म क्या होगा? हो मैंने मूवी तो सबने देखी है, उसके पास रीजनरेशन हीलिंग फैक्टर है भाई, कहां पंगे ले रहा है। कते खतरनाक। ओके आई नो एज यू शुड। ओके सुपरमैन पंच। ये दूसरी गंदी मौत है। ओके टर्मिनेटर लग रहा था, बट जैसा कि अभी हमने पहले वाले ट्रेलर में देखा था हिज एडमेंटेनियम मैनी डेज अर्लियर, ये पास्ट है वो फ्यूचर था, यानी कि इससे पहले उस दिन से पहले। ओ या तो गेम चालू हो चुकी है, तो गेम को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे देखेंगे। मैंने बहुत थोड़ी सी खेली थी, लिटिल बिट, बहुत ही कम खेली थी मैंने, बहुत ही कम खेल के देखा था, जस्ट खेला ही क्या था, मैंने ऑन ही करी थी शायद, मेरे को जहां तक मेरे को याद है कि मैंने सिर्फ ऑन करी थी अपनी गेम, सिर्फ ऑन। ओके तो स्टार्टिंग का सीन इसमें बिल्कुल जस्ट कॉज जैसा है, बंदा एकदम आसमान से। जस्ट कॉज में भी स्टार्टिंग ऐसी होती है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको जस्ट कॉज को देखना है तो, जस्ट कॉज का रिव्यू देखना है तो। वैसे मैं सच बताऊं सेकंड पार्ट मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज बाकी के पार्ट्स हमारे औकात के बाहर के। मुश्तरी हड्डियां दिख रही है भाई, कब्जे दिख रहे हैं, ये देखो मतलब एक असॉल्ट वाला फील आता है ना इसको खेल के, मतलब कि आई डोंट नो कि खुद ही ये सब हो जाता है या सब। मतलब वो फाइटिंग स्टाइल तो बहुत अच्छा है इस गेम का, मतलब ऐसे देखा जाए तो फाइटिंग स्टाइल है इस गेम के अंदर, मतलब अलग अलग टाइप्स के फाइटिंग स्टाइल हैं आप देख सकते हो, मतलब पूरी मतलब काफी मजा आ रहा है खेल के। पर एक वो कहते हैं ना फाइटिंग में भी असॉल्ट वाला, असॉल्ट टाइप कहते हैं जो ऐसी गेम, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, बट आई एम नॉट श्योर कि फील नहीं आ रहा मुझे, निशाने लग नहीं रहे कहीं पर भी। ओके तो इस पार्ट का जरा रिव्यू कर देते हैं कि खेलने पर ना गेम वो फील नहीं दे रही, बट हाँ वो मजा बहुत आ रहा है क्योंकि इसमें ना बहुत सारी टैक्टिक्स हैं, मतलब बंदा उस हिसाब के फाइटिंग स्टाइल्स हमें दिखा रहा है, जैसे वुल्वरिन बहुत सारे फाइटिंग स्टाइल्स दिखा रहा है, और सामने वाला जो अपोनेंट आ रहा है वो भी काफी टाइप के फाइटिंग स्किल्स हमें दिखा रहा है, देखने में काफी मजा आ रहा है, काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। बीच बीच में जब कोई भी हम ऐसा बेस्ट अपना शॉट मारते हैं तो बीच में एक गोल्ड राउंड लेके उस हर एक शॉट का रिव्यू दिखाता है, बट वो एक तो फील नहीं आ रही, मतलब जैसे क्योंकि बिकॉज एम नहीं दे रखा है इस वजह से, या ऊपर से गेम दिखाई जा रही है इस वजह से, आई डोंट नो, बट एक वो फील नहीं आ रहा है। मतलब गेम तो बहुत अच्छी है, मतलब इस रैम के हिसाब से आपको, इस ग्राफिक के हिसाब से तो आपके पीछे में मक्खन चलेगी अगर लो पे है, मेरे भी जस्ट मैंने शायद ये मीडियम पे है या लो पे, आई डोंट नो, बट या इट्स स्टिल गुड वर्किंग, स्टिल गुड वर्किंग। इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है मेरी, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ किस हिसाब के मैंने कर रखे हैं, तो रेजोल्यूशन तो मेरा वही है
एक नॉर्मल पीसी के हिसाब से जो होता है, मैंने कुछ ज़्यादा खास कर नहीं सका। डायनेमिक गेम हिंट्स भी मैंने ऑन कर, हिंट्स मैंने ऑन कर रखे हैं, वाइब्रेशन ऑन कर रखी है थोड़ी बहुत, लो डिटेल मोड ऑन नहीं कर रखा, शो फुल स्क्रीन है, इससे ज़्यादा और कुछ कर नहीं रखा मैंने। तो यानी म्यूज़िक वॉल्यूम था, बाकी तो ऐसा मुझे कुछ नहीं लगता गेम में, बट हाँ थोड़ा वो एक फील सा नहीं दे रही है जो गेम शायद दे सकती थी। उछलने का पूरा स्टाइल डेडपूल जैसा है बिल्कुल, और भागते हुए भी अजीब सा भाग रहा है, मतलब एक जिस हिसाब का जो मैंने डेडपूल गेम खेली है, जो डेडपूल में जिस हिसाब का भागता है उस हिसाब के भागने में इसमें और उसमें बहुत बहुत फर्क है यार। मतलब वो गेम बहुत सही लगती है मुझे, इस मामले में काफ़ी अच्छी गेम है वो। तो ये पता नहीं क्यों चमक से रहे हैं ऐसे, अभी चमक रहे हैं या मैं इन पर कुछ करूँ ऐसा मुझे पता नहीं है। तो खैर इसमें भगता नहीं है बंदा, ये शिफ्ट दबा के हम भाग नहीं सकते, जस्ट जैसा जो चल रहा है बस भाई है कुछ या खत्म, हड्डी है तो मांस थोड़ा बहुत ही बचा। तो इधर से आई डोंट नो किधर जाना है, मैप नहीं दे रखा है बिल्कुल भी, प्लस न्यू एबिलिटी तो ई टू की, ओ ई प्रेस एंड होल्ड ई और फिर उसके बाद क्यू दबाना, तो काफ़ी अच्छा लगा ये। मैं कह रहा हूँ गेम में टैक्टिक्स बहुत अच्छी दे रखी हैं, बट वो एक फील नहीं दे रही है गेम जो शायद वो दे सकती है। तो माय फेवरेट सीन, एवरी फेवरेट सीन, ओ वाओ नाइस सीन, गेम फाइटिंग गेम्स में यही होता है और गन वाली गेम्स में भी, कि जब आप एकदम से उस पर बहुत सारा लोड डाल देते हो ना तो गेम काफ़ी हद तक अटकने लगती है। जैसा कि मैंने बोला था फाइटिंग स्किल्स तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी दिखा रखी है, बंदा फाइटिंग स्किल्स ही बहुत सही है, बट छोटा छोटा दिख रहा है सब, है ना, मतलब ऐसे बंदा नहीं दिख रहा साफ साफ, साफ साफ की भी बात नहीं है, सब कुछ छोटा छोटा दिख रहा है, असॉल्ट टाइप दिख रहा है सब कुछ, ऐसे मौत किसी को मिल जाएगा बंदा आत्मरा हो जाएगा। तो ओके शायद ये कुछ है अलग सी एबिलिटी है, प्रेस वन टू टॉगल सी ऑफ, ओके तो वाओ नाइस थिंग, ठीक है तो दैट्स द एबिलिटी। बहुत सही पुश, ओके अच्छा मैं समझ गया, जंप ऑफ द रोप, ओके तो ठीक है काफी अच्छी है, बट अगर मैं इस गेम को दोबारा से देखूं तो एक वो मजा नहीं है, बट हाँ गेम है बहुत अच्छे, जिन्हें शौक है असॉल्ट टाइप खेलने का, असॉल्ट मीन्स मतलब मैं असॉल्ट में गन की बात नहीं कर रहा, असॉल्ट गेम्स में अगर आप असॉल्ट गेम्स देखोगे ना तो वो ज़्यादातर ऐसी दिखेंगे आपको जो ऊपर से दिखने वाली होती हैं, लाइक आप ऊपर से देखते हो और बंदा आपको ऊपर से दिखता है नीचे से छोटा छोटा चलता हुआ, तो ये भी कुछ इस तरीके, अगर नहीं पता चल रहा असॉल्ट किसे कहते हैं तो इस टाइप का ये जो व्यू ये बार बार हमेशा मुझे दिखा देता है, ये व्यू मुझे बार बार माउस नीचे करना पड़ता है। ये सीन बहुत ही सही लगता है मेरे को इसमें कि करना, तो असॉल्ट में कुछ अभी तो ये फाइटिंग सीन में, तो ओके ओ
भाई साहब It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Oh, fish! Flawless victory. Fatality. Why sub? Fatality. Finish him! यार कसम से बता रहा हूँ, गेम बस एक ही जगह मार खा रही है कि खेलने में वो फील नहीं देती, बस। बाकी इस गेम में वो हर एक चीज का मजा है जो चाहिए होता है एक फाइटिंग वाली गेम में, लाइक असॉल्ट है, यही बस ये मार खाते थे कि ये असॉल्ट बन जाती है बार बार, पता नहीं कैसे, बस यही। बाकी तो इस गेम में बहुत सही चीजें हैं यार, बहुत सही। फेटैलिटी है एक अलग किस्म की, आप मार तो वो एक सिनेमैटिक शॉट दिखाता है आपको पूरा का पूरा, और गर्दन पकड़ के सीधा हेलीकॉप्टर में, भाई साहब इतना खतरनाक सीन, दिस इज अनबिलीवेबल, सीरियसली बहुत मजेदार चीज है। तो क्या ग्राफिक्स ठीक है, मतलब ऐसे मैं यार ये नहीं कहूँगा, मेरे पास भी लो एंड पीसी है, कोई मैं बहुत तगड़ा पीसी प्लेयर नहीं हूँ, मतलब थोड़ी बहुत गेमें खेल लेता तो अपनी स्पेशल शक्ति ऑन करूँगा। तो ये बंदे पे हरा हरा दिखा रहा है, ये एक वो चेक पॉइंट, ओ सरप्राइज मदरफकर, रा भाई देखा नहीं कर पा रहा मैं कंट्रोल, यही 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 पे ये गेम मार खा जाती है। सब ये तो खत्म सा ही कर देगा बिल्कुल ही, ओरल भाई पट सैड शॉट, तू तो ऐसे मरेगा। ये भी आ गए, तुम्हें भी चैन नहीं होता ना, तुम्हें भी चैन नहीं होता। तो यार है तो गेम बहुत ही सही, अपने हर चीज में सही है, बस ये मार यही खाते कि मुझे खेलने में इसको एक वो फील नहीं आया। देखो ना तुम ऊपर से दिख रही है, ओ ये सिनेमैटिक शॉट्स, मैं समझा नहीं मैंने क्या बटन दबाया, पर बहुत ही खतरनाक था भाई जो भी था, मतलब मैं मुझे लग रहा है शायद मैंने सी दबाया, मैंने वहां पे जाके शायद से सी दबाया, मैं एक बार दोबारा ट्राई करूंगा। ये भी कुछ रंग में था, अभी मैं यहाँ पे सी दबाऊंगा, सी ओ पार्ट सैड शॉट। यार ये गेम बहुत मस्त है, सिर्फ यही मार खा गई कि इसमें असॉल्ट वाली फीलिंग आती है, नहीं तो ये गेम बहुत ही मस्त है। मैं सोच बताऊं लो एंड पीसी के लिए इससे ज्यादा ना सेक्सी गेम नहीं मिलेगी आपको, इससे क्या होगा। सी टू कलेक्ट डॉग टैग्स, चेकिंग द डॉग टैग्स फॉर रिवाइव योर फ्रेंड, सीओडी के तहत अपन लोग को पता नहीं। चेक पॉइंट रीच्ड,
अभी तुम्हारा भाई देखना पट से हेड शॉट देगा। ओ उफ ओ ओ भाई ओए होए ओए होए ओ भाई साहब ले टांग काट दी भाई तू भी जा तेरा भी नंबर आ गया के पट सेट शॉट क्या हो रहा है ये भाई कोई डायनासोर डायनासोर है क्या ओके यही चीज करनी थी सो खोलेगा तो लग रहा है यहां से नहीं आगे ही जाना पड़ेगा मेरी तरफ से पट से एड्स और गाड़ी क्या मैं गाड़ी चलाऊंगा क्या मैं गाड़ी चलाऊंगा कह दे गेम की मैं गाड़ी चलाऊंगा कह दे गेम पार्ट दैट शॉट ओ भाई नाखून बड़ी खतरनाक चीज है इस बंदे के पंगेन ओ हाथ उंगली पुंगली सब काट दी टेकिंग द डार्क टैग्स वाओ ग्राफिक्स सही है यार कोई दिक्कत नहीं है इस गेम में सी ओहो दम चलो कोई नहीं चला नहीं सकते तो क्या धक्का ही दे देंगे ऐसे ही चला लेंगे वो ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकता गाड़ी ऐसे तो फुल अबे किसी को तो बख्श दे वो पट से हेड शॉट ये तुम्हारे लिए ये भी तुम्हारे लिए ये जो भी है क्लॉस पैन जिस जिस जो बंदा यहाँ पर कंप्यूटर पता करता होगा ना जो जो मेरे चैनल में कंप्यूटर करता होगा उस बंदे को पता होगा कि बट इज गोल स्पैन जनरेट हो गया तेरी मौत बहुत ही खतरनाक हो ये फिर से आ गया ऐसे मरेगा बेटा तू मुझे पता चल गया मर जा काका ओए 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 आग लग रही है तो मर जा यार
मर जाना भाई, वीडियो को एंड भी करना है। भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है? टूटेगी कैसे? ये इस प्राणी के खून से बनी है, प्राणी का खून। मर गया? क्या मैं कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? ओके सो अब एंड पे आ जाते हैं। तो पॉइंट वाइज पॉइंट बात करूंगा, ग्राफिक्स ठीक है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं, ग्राफिक्स बहुत सही है। इस गेम को मैं अभी तक में जो भी मैंने गेम्स खेली है ना, उनके सिनेमैटिक शॉट्स में ना ये मुझे सबसे बेस्ट लगे, बेस्ट सिनेमैटिक शॉट्स एवर। और मैं कहूँगा फेटैलिटी तो सबसे गंदी खैर एक ही गेम दे सकती है और वो है MKX, यानी कि आप सबी को पता होगा मॉडल कॉम्बैट एक्स, उससे अच्छी फेटैलिटी और कहीं नहीं दिखती। बट हाँ, ये फेटैलिटी मुझे अभी तक में अच्छी लगी जो भी गेम्स मैंने खेली हैं, ठीक है। सो अब इसकी बात आ जाते हैं जो इसके एडवांटेज क्या बताऊँ, इसके गेम में जो खास बात ये है कि ग्राफिक्स ठीक है, एक लो एंड PC के हिसाब से बहुत अच्छी गेम है ये, है ग्राफिक्स ठीक है, अगर इसे हाई ग्राफिक पर चलाओगे तो ठीक चल जाएगी, बट PC भी उस लेवल का होना चाहिए, बिकॉज मैं लो एंड PC के हिसाब से आपको गेम दिखाता हूँ। और गेम बहुत सही अपने हिसाब से, मतलब फाइटिंग स्किल्स आपको बहुत सारी देखने को मिल जाएगी इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर पूरी मूवी आपको देखने को मिल जाएगी, आप पूरी मूवी इंजॉय कर सकते हो अपने तरीके से, लाइक पूरी मूवी नहीं, हाफ ऑफ द मूवी आप अपनी तरफ से, आप खुद को ये सोचो कि आप वुल्वरीन और आपको लड़ना है, तो एक ऐसे काइंड ऑफ फील लेकर काफ़ी मज़ा आ रहा है इसको खेलने में। जहाँ ये मार खाती है सिर्फ इसके कंट्रोल्स, वो एक मुझे टिप नहीं मिलती मारने के लिए, लाइक अगर मैं मारने की बात करूँ तो जैसा हमने पहले कई सीन्स में देखा था कि मारने के लिए नहीं मिलता है, मतलब एक सामने जो बीच का एक पॉइंट होता है ना जिससे पता चल जाए बंदा यहाँ पे खड़ा है, वो पॉइंट नहीं मिलता, असॉल्ट वाली फील आती है। असॉल्ट मैंने आपको बता दिया ऊपर से देखने का, लाइक भगवान देखता है और हम चलाते हैं, लाइक वो वाली फीलिंग आती है, मैंने आपको पहले बता दिया। यही गेम मार खा रही है, बाकी तो इस गेम में कोई दिक्कत नहीं है गाइस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, आई होप आपको वीडियो आज की बहुत पसंद आई होगी, मैंने खेला है इस गेम को सही से अभी, और मैं इसका नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा, लाइक 2-3 वीडियोज़ ही बनाऊंगा मैं हर गेम की, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूँगा, जो मेरे बस में होगा मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। और हाँ, कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सकता है कीजिए, गेम्स की नई नई इन्फॉर्मेशन आपको ला के देता रहूँगा हर एक गेम की, लो एंड PC के लिए सारी बढ़िया बढ़िया गेम्स आपको दिखाऊँगा। सो दिस इज़ मैक्स केओस, मौज लेंगे रोज लेंगे, और नहीं मिलेगा तो मैक्स केओस से पूछ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू गाइज़।